Warning, this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Cruise mode. Mast. Bahut badhiya cruise mode. Guys, this week nayi bike aani thi but kisi ka. Aur hamara bhai. Hamara bada bhai, bada bhai. इसका थ्रॉटल वायर में अभी भी सेम इशू आ रहा है जो हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए। तो गाइस आज थोड़ा सा बिल्कुल एक छोटे मोटे से व्लॉग के लिए पेट्रोल फिलिंग भी हो गई। अब हम निकल गए हैं बहुत ही अव्वल दर्जे की गर्मी पड़ते हुए। यार बार एंड मिरर के बहन चोद इसने दिमाग खराब कर रखा है बहुत ज्यादा। गाइस इस वीक नई बाइक आनी थी बट किसी कारणवश एक हफ्ता शायद और डिले करना पड़ेगा। पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। बिकॉज कहीं पे फंड्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो होपफुली इस वीक तक मैनेज हो जाएगा। और इस वीक तक मैनेज हो गया तो फिर तो 110% जुलाई 10th या 15th के आसपास तक हम अनवील कर लेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पे आप चाहते हो कि अनवीलिंग हो बाइक की। बट मेरे हिसाब से तो कहीं अच्छी जगह ही होनी चाहिए। लाइक जम्मू में दो तीन जगह हैं जो होम डाउन कर रखी है, जैसे वी कैन डू आउटसाइड पिट स्टॉप कैफे ऑल्सो, और वी कैन डू आउटसाइड डिटेलिंग डेविल्स और जो भी ऐसे करके सेरेमिक प्रो, तो इन सब लोकेशंस के पास भी कर सकते हैं। जैसा आप बताएंगे वैसा वी कैन प्लान। और एक दो हफ्ते में बाइक आने वाली नहीं। आप लोग ढेर सारा कमेंट करो, प्यार करो, 10K पे पहुँचाओ ताकि 10K के दिन रिलीज़ हो तो मज़ा ही आ जाए। और फिर 100K पे सोचो क्या आएगा अगर 10K पे इतनी भयंकर सुपर बाइक आने वाली है जम्मू में। बस भाई आप लोग सब, आप सबका प्यार चाहिए। जाओ अंकल, बस पैर बचाओ और जाओ मेरी तरफ से। 30 सेकेंड रह गए, 30 सेकेंड से पहले ही चले जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जा। मन तो था रिएक्शन व्लॉग्स भी कंटिन्यू करने का बट आज बस छोटी सी राइड करेंगे, भाई को मिलेंगे, रील बनाएंगे।
भी लेने चाहिए यार, ये बढ़िया चीज़ है, हाथ पैर बच जाते हैं, ऐसे काले पीले नीले नहीं होते। करण वेनम वेनम ये ऑन है, चल थोड़ा मुंह ऊपर रखना, मेरे लीन ही नहीं आते। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि सब। और हम निकल गए हैं, मैं आयुष, आज थोड़ी सी खुरफतानी चीजें, आज हम सिर्फ शॉर्ट्स पे फोकस करेंगे। ये देखो भाई डेडिकेशन, मजा तो अपनी सिद्धा रोड का ही है। तेरे को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा हूं, तो गाइस कुछ ऐसा है। पर गर्मी अब थोड़ी कम लग रही है क्योंकि अब R1 से गर्मी ज्यादा आ रही है। साड़ा लौंडा चोरी हो गया, की करिए की करिए। विश्राम लेंगे और यहीं पे हम रील्स बनाएंगे। इसको देखो सुबह से निकला हुआ, मैन अ डेडिकेशन। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं, हमने एक दो रील बना, बार एंड मिरर और उसके साथ R1 कितनी लीन मीन मशीन लग रही है, और वो एस वहाँ आता हुआ। गाइस जिसने बनाई है क्या बनाई है भाई, ये हमारा आयुष जा रहा है यहाँ से वापस, और हम यहाँ से अपने वापस। हम वापस जा रहे हैं अपने घर,
वाला मेरा फेवरेट कॉर्नर है। जिस दिन मेरा रेस सूट आया इधर नी ड्रैग होगा, जिस दिन मेरा रेस सूट मेरे पास वापस आया इस पॉइंट पे नी ड्रैग पक्का 110% होगा। गाइस मैं थ्रॉटल वायर टूटने के बाद क्रूज कंट्रोल चल पड़ा है बिकॉज वो वहीं अटक जाता है। अब देखो इस पॉइंट पे ये ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल में चल रही है क्योंकि थ्रॉटल वायर ही नहीं है, मतलब थ्रॉटल वायर फॉल्टी हो रखा है। और गाइस आप कमेंट करके बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी सुपर बाइक आने वाली है। रैम माउंट तो अच्छे लग रहे हैं बट ये बार एंड मिरर जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ अटकता है और यहाँ अटकता है जिससे कॉर्नरिंग करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। और ये हरी लाइट के साथ यही तो पावर है आर्वन की। क्रूज मोड मस्त, बहुत बढ़िया क्रूज मोड क्योंकि इसका तो थ्रॉटल लॉक हो गया, तो थ्रॉटल लॉक होने के बाद ये अपने आप एक ही पोजीशन में चले जा रहा। थार भी अच्छी लग रही है, मतलब प्लान तो भाई का थार का भी हो रखा है। ग्रीन सो आई कैन मूव, आई लव ग्रीन। गाइस ये फोर्स की गाड़ी देखो, तो ये गाड़ी लेके मॉडिफाई करने को मिले मजा। और इसके साथ ही अंकल जी को आंटी जी को एक पसंद आ गई है। गाइस ब्लॉग यही एंड करते हैं, अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड, बैरन अल्फा, दैट्स अ बीटल, दैट्स बैरन अल्फा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, पीस आउट।